अनंत धारा बह रही मतलब हमारा मन ऐसा पागल है हमेशा भावनाओं में बहता रहता बहता रहता डूबता है बहता भी क्या डूबता है एक महिला कह रही थी मेरे पति गए हैं बाहर वो मेरे से बात ही नहीं कर रहे मेरे से बात ही नहीं कर रहे तो मैंने कहा इसमें रोने वाली क्या बात है काम ही करने गया है ना काम कर रहा है पैसे कमा रहा है तेरे लिए तो तुझे सपोर्ट करना चाहिए कर लेगा जब बात करनी होगी कितनी नहीं पर बात तो करनी चाहिए ना बताना तो चाहिए ना कि बात नहीं कर सकते यही बता देना चाहिए ता ऐसे पागलों को क्या अकल दी जा सकती है एक चीज तो मैं समझी हूं अकल जब हम लेना चाहते हैं, हम तभी अकल पाते नहीं तो बैठ के जितना मर्जी समझा लो समझ कोई ना आनी देखो मैं समझा रही हूं तुमको मान जन्म बार बार नहीं तो तुम समझ जाओगे क्या समझ जाओगे क्या इस बात को कि भावनाओं के सागर में डूबना नहीं है मन में ऐसी भावनाएं बनानी ही नहीं है ये मेरा ये तेरा करते ही फांसी गले में आ जाती न मेरा कर न तेरा कर करें क्या तो मीरा कहती राम नाम का बांध ले बेड़ा उतर उतर ले पार अपने मन को राम के इस नाम के साथ बांध दे ये बेड़ा बना हा, हा, हा। क्या सुंदर शब्द है सुनो इसको hmm. बेड़ा बंद न सके ओ बंधन की वेला बेड़ा बंद न सके ओ बंधन की वेला पार्सरवर जब तब तरन दुहेला पार्सरो जब उचले तब तरन दुहेला बेड़ा बंद न सके बंधन की बेला बेड़ा बंध न सके ओ जब बेड़ा मैंने बोट बांध लेनी चाहिए थी तब बांध ही नहीं और जब उछलेगा सागर बड़ी बड़ी लहरें और तब सोचता है रे मैंने बेड़ा नहीं बांधा पर तब बांधना मुश्किल हो जाएगा कभी ज्वार के समय पे समंदर देखा हो तो तुम जानो कि 20 20 फिट तक लहरें चली जाती इस सुनामी में कितनी ऊंची गई सागर की लहरें जितना 20 मंजिल का बिल्डिंग हो इतना ऊंचा समंदर गया As high as 20 floors of a building, and when that wave fell down, it engulfed the whole city, and people got killed. जब मौत आके खड़ी हो जाएगी सामने तब तो उस समय पर नहीं बांध सकोगे ये राम नाम का बेड़ा अब बांधो बीमार हो गए रोगी हो गए अभी हमारे कितने ऐसा मैं सुनती रहती हूँ खबर आती है ठीक ठाक थे जरा सो पेट में दर्द थी चेक कराने गए डॉक्टर कहते अल्ट्रासाउंड कराओ देखा अरे किडनी बड़ी हो गई क्यों हो गई चलो अब इसको क्या करें डॉक्टर बोले इतना बड़ा है तो निकालना पड़ेगा ये तो ट्यूमर है ट्यूमर चेक किया कैंसर है मैं जब सुनती हूँ जवान सुंदर लड़की शादी करके आई हमारे पास साल हुआ शादी को खुशी खुशी आई पति के साथ और कुछ समय आश्रम में रही खूब हंसे खेले यहाँ से जाती है और वॉमिट्स हो गए उल्टियाँ हो रही थी हॉस्पिटल में ले गए तीसरे ही दिन उन्होंने कैंसर वार्ड में डाल दिया क्योंकि कैंसर हो रखा है उसको पता ही नहीं मल्टीपल कैंसर मैलोमा जिसको कहते हैं और वो कई जगह में प्लाज्मा आरबीसी हड्डियों में सब जगह फैला ऊपर नीचे सब जगह फैला कहाँ कहाँ से निकालेंगे एक किडनी थी किडनी निकाल ली बंदा बच गया अब पूरे रक्त में है हड्डियों में है क्या क्या निकाले बोलो अब और मन में कितने सपने होंगे संसार के अभी तो शादी हुई तो बच्चे ये वो सब आती के डिफिकल्ट कीमियोथेरापी होगा ये होगा वो होगा लेकिन इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या प्रारब्ध है मालूम नहीं अब हंसना खेलना छोड़ करके डॉक्टरों के चक्कर पड़ गए अब कीमियो कराओ रेडिएशन कराओ ये कराओ वो कराओ दवाओं के साइड इफेक्ट भजन कहाँ होगा होगा भजन अब माला होगी अब कि प्राणायाम होगा ऐसी स्थिति में सिर्फ रोएगा इंसान हाय मुझे ऐसे क्यों हो गया घर वाले भी रोएंगे हाय इसको ऐसे क्यों हो गया अभी तो जीवन शुरू हुआ था पर यही तो प्रॉब्लम है प्यारे हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि शरीर कब तक रहेगा बढ़त छिन चिन घटत पल पल लेकिन एक स्ट्राइक जो मौत की है वो तो कभी भी हो सकती है जरूरी नहीं कि सब बुढ्ढे होके मरे दस साल में मर जाए बीस में मर जाए अरे अभी हमारे एक प्रेमी है दिल्ली में बच्चा एकदम स्वस्थ माँ एकदम स्वस्थ लेकिन जन्म देते समय प्लेसेंटा पहले बाहर आ गया बच्चा घुट के मर गया स्वस्थ बच्ची थी मृत एकदम स्वस्थ है लेकिन डिलीवरी के टाइम पे तो प्लेसेंटा केम आउट फर्स्ट कॉर्ड फंस गई फंस जाती है गले में और एक तो और बड़ी सुनने में मिली घटना मुझे कि नर्स ने बच्चे को जन्म दे लिया और बच्चे के शरीर में सब अभी रक्त और सब मेला लगा रहता है ना तो जो जेर होती जिसे हम कहते हैं तो तो दैट वाज ऑल सो द बेबीज बॉडी वाज बिट स्लिपरी नर्स के हाथ से छूट गया सर के बाहर गिरा बच्चा वहीं खत्म क्या करेंगे अम्मा टेबल पे पड़ी पूछ रही है लड़का है कि लड़की और हाय तवा मच गई कि बच्चों को उठा के ले गए अब पर खत्म गॉन शरीर तो भाई जाए तो एक क्षण में चला जाए और नहीं तो फिर घटत पल पल फिर थोड़ा 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 करके मरता है ये शरीर कब बांधोगे राम नाम का बेड़ा कब ये हो जाएगा तब ये हो जाएगा तब ये हो जाएगा तब अरे पागल हो क्या तुम्हें मालूम नहीं मौत सिर पर नंगा नाच कर रही है वो कब तेरे प्राण हर ले मालूम नहीं तो मीरा जी कहती है नहीं है सो जन्म बार बार तो क्या कर राम नाम का बांध ले बेड़ा उतर उतर ले पार प्यारे ज्ञान चौसर मंडी चौहटे ये आई अब मीरा की ज्ञान का वचन क्या करो चौसर खेलो किसकी ज्ञान की ज्ञान की चौसर खेलो प्यारे बिछाएंगे किसको सुरत पासा डार मन की सुरती पासा बन जाए तेरी अभी देखो पासा सीधा पड़ जाए और लग गए छे छे के जोड़े तो जीत गए और फेंके हम पासा और आया एक या दो या तीन और हार गए तो बोले पासा जब फेंकते हैं तो चौसर खेलते हैं ना जो यहाँ लूडो जिसको आजकल हम कह सकते तो मॉडर्न वर्जन लूडो है तो जब आप उसको फेंकते हैं तो आदमी सोचता है कि मेरा छ ही आए मेरा छ ही आए मेरा नौ ही आए मेरा नौ ही आए, आए एक साथ आ जाए तो जीत जाएंगे हम मेरा कह रही है ज्ञान की चौसर बिछाओ और सूरत का पासा बनाओ सूरत क्या है आपका मन भटकता रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर इसलिए जब आंख भी बंद करते हो भजन करने के लिए मन टिकता ही नहीं मन की सूरत के पासे को पकड़ प्यारे और फिर इस तरह फेंक इस तरह फेंक तेरी जीत हो सके मने सूरत टिक गई तो राम में मन जुड़ गया सूरत टिक गई तो श्याम में मन जुड़ गया यही तेरी आध्यात्मिक जीत है रही बात दुनिया की तो मीरा कहती या दुनिया में कैसी बाजी इस दुनिया के खेल तू प्यारे कितने भी खेले क्या बाजी नो गेम इट इज नो गेम जीतते पावे हार क्योंकि जो यहाँ जीत भी जाते वो भी हार ही जाते हैं बड़े बड़े राजन महाराजा ताकि तृष्णा ना बुझी रे बड़े बड़े राजा महाराजा हो तो भी तृष्णा नहीं बुझती और बड़ा बड़ा राजा महाराजा हो जाए तो भी मौत आठगती नहीं ठगती राजा महाराजा छोड़ देगी बड़ी तो पहुंच वाले हैं हम बड़ी पहुंच वाले मौत के सामने पहुंच चलती किसी की नहीं चलती तो यहाँ जो जीतते हैं दुनिया में उनकी भी हार हो जाती है तो दुनिया की इस इस दौड़ में जीतने के चक्कर में मैं जीत जाऊं और मैं हारू नहीं ये दिमाग इसमें जो खराब कर रहे हो ना डोंट डू दैट व्हाट शुड यू डू साधु संत महंत ज्ञानी मीरा कहती है चलत करत पुकार कौन पुकार रहे हैं साधु संत महंत ज्ञानी ऑल वराइटीज ऑफ महात्मा जैव कमिंग टू दिस कोई सफेद कपड़ा पहने कोई लाल कोई भगवा पहने कोई पीला कोई पहने कैसा बेश कोई कहन पहने, पहने कैसा बेश कोई लगावे कैसा तिलक कोई लगावे कैसा तिलक क्योंकि तिलक से उसके संप्रदाय की पहचान होती रामानुजी है रामानंदी है वैष्णव है शैव है अलग अलग साधुओं के अलग अलग तिलक होते लेकिन पुकार तो एक ही चीज रहे हैं और वो क्या है दासी मीरा लाल गिरधर क्या कहती मीरा जी वो कहती है जीवन है दिन चार चार ही दिन है अब देखिए चार की जगह वो सात भी कह सकती थी क्योंकि आप कहोगे जी हफ्ते के दिन तो होते सात तो सात भी कह सकती थी पर चूंकि कविता है ना तो पुकार के साथ राइमिंग चार की होती सात की नहीं होती तो शब्द ज्ञान मीरा का ऐसा है कि वो जो कविता के नियम होते हैं उन नियमों का वो पालन करती है सात दिन कहो चार दिन बट वट इट इंटेंड्स टू सेट लाइफ इज लिमिटेड पेरिशियबल देखिए वेन यू बाय एनी प्रोडक्ट इट कम्स विद द लेबल विल एक्सपायर इन वन मंथ विल एक्सपायर इन फिफ्टीन डेज विल एक्सपायर इन थ्री डेज आप दवा खरीदते उस पर भी लिखा होता है इतने समय के बाद दवा एक्सपायर एक्सपायर मतलब अंग्रेजी में उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी ये भी है और एक्सपायर मतलब मर जाना भी होता है ना जब मनुष्य पैदा होता है ईश्वर अलग से कोई स्टैंप नहीं लगाते कभी कभी मैं सोचती हूं लगनी चाहिए सोचो यही मैंने बच्चा ना माँ के गर्भ से बाहर तो यही स्टैंप लगी हो विल एक्सपायर इन 2016 जून सेकंड। वेरी इजी। तैयारी तो कर लोगे ना कम से कम अभी तो एक पैंसठ वर्षीय महिला के विषय में पता चला कि वो कितनी अकेले दिल नहीं लगता शादी दोबारा कर रहे मैंने कहा अच्छी बात है क्योंकि मैंने नब्बे साल के पुरुषों को देखा शादी करते तू तो अभी पैंसठ है तो तो जवान है अभी कर ले कर ले कोई बात नहीं और सोचिए एक ही गलती कितनी बार कोई इंसान करेगा कितने बार पहली करके क्या चांद चढ़ा लिए थे जो अब चढ़ाओगे तुम चांद अब तो बालों में ही चांद निकल आया बोले शादी कर रहे मुझको ठीक है बोले अकेले रहना मुश्किल लगता है मैं वो भी बात ठीक क्योंकि जीना तो सीखा नहीं ना अकेले जीना आता है ना किसी के साथ जीना आता है कर ले शादी फिर रोती आएगी कि बड़ा अजीब जिया बुढा मिल गया अकल ही नहीं इसको इसने पहले बताया ही नहीं इसके चार तो स्टंट पड़े मुए के हैं चार स्टंट पड़े किडनी चलती कोई नहीं डायबिटीज हो रखी है और बताओ मेरे से शादी कर ली इसने जीना ना आता हो तो दो क्या चार शादी कर लो पर जिसको जीना नहीं आता वो करे शादी तो दुखी वो ना करे वो तो भी दुखी है और जीना आता हो तो और किसको जीना आता है कहते सुनो सुनो साधु संत महंत ज्ञानी इनको सुनो सुनो इनको वो क्या कह रहे एक सज्जन बोले जी उनका तो काम ही है कहना हम पागल हैं क्या उनकी हर बात मान लें उनका काम है कहना तो वो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे भगवान का भजन करो भगवान का बोले अब भगवान का भजन करेंगे तो सिनेमा हमारा बाप देखेगा हम ही तो देखेंगे भगवान का भजन को कर लेंगे ना संडे चले जाएंगे मंदिर माथा टेक आवेंगे कोई कहते जाएंगे साल में एक तीर्थ कराते हैं भगवान को पैसा चढ़ा हैं पंडित जी से पूजा कराते हैं और क्या करें और एक बड़ा परफेक्ट डायलॉग जो मैं अक्सर पंजाबियों के मुख से सुनती हूं और वो ये है ऐ में थोड़ी मरांगे खा पी के मरेंगे तो बिस्की पिएंगे मुर्गा खाएंगे और डांस करेंगे क्योंकि जिंदगी इसी के लिए तो है खा पी के मरेंगे सच यह है कि तुमको मरना याद नहीं है सच यह है कि आप समझते हो दूसरे मरेंगे हम थोड़ी मरेंगे और चूंकि मरना याद नहीं है इसलिए तुम जीना भी नहीं सीखते हो राग द्वेष के साथ जीना कोई जीना होता है हाय तौबा करके जीना कोई जीना होता है नहीं ऐसो जन्म बार 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 नहीं है ये का जानू का जानू कुछ पुण्य है प्रगटे मानुष का अवतार क्या जानू कैसे पुण्य है जिसके प्रताप से हम मनुष्य है तुम तो मनुष्य हो तो कुछ मनुष्यता भी तो प्राप्त कर लो और मनुष्यता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए आ सत्संग चाहिए संत वचन का धारण करना चाहिए हाथ में माला मन में सुरत उसकी दिल में याद उसकी चाहिए नहीं ऐसो जन्म बारो